मंदसौर भागवत नगर में पैदल जा रही दिन दहाड़े महिला के कान से आरोपी सोने की झुमकी लेकर भागा, महिला के कान में आई चोट। मंदसौर भागवत नगर में पैदल जा रही दिन दहाड़े महिला के कान से अज्ञात आरोपी सोने की झुमकी लेकर रफू चक्कर हो गया, जिससे महिला के दोनों कानों में चोट आई है। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, CSP सतनाम सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास लगे CCTV कैमरों को पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। क्षेत्र में लगे CCTV कैमरे में आरोपी नजर आ रहे हैं और महिला का पीछा काफी दूर से कर रहा था और मौका देखकर महिला के कान में पहनी हुई सोने की झुमकी को निकाल कर भाग गया, जिससे महिला के दोनों कानों में चोट आई है। महिला का उपचार भी जिला अस्पताल में कराया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए 6:30 पर शनिवार को बताया कि यह घटना दिन में हुई थी। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। संगीता नामक महिला ने बताया कि मैं अपनी बहन के घर जा रही थी और पीछे से आ रहे व्यक्ति ने मेरे कान में हाथ डालकर दोनों सोने की झुमकी लेकर भाग गया, जिससे मेरे दोनों कानों में चोट आई है। सोने की झुमकी की रकम 50 से 54 हज़ार रुपये बताई गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए यह रकम बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। जी हाँ, एक महिला है कुमावत समाज की, वो अपने घर से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी भागवत नगर में। भागवत नगर में मंदिर के पास ही एक व्यक्ति पीछे से आया और उनके कान की दोनों झुमकियाँ खींच कर ले गया है। उनके कानों में चोट भी लगी है। उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। टीम हमारी लगी हुई है। क्षेत्र में जितने CCTV कैमरे हैं उनके फुटेजेस लिए जा रहे हैं और आसपास लोकल आसूचना संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही पताराशि करके दस्तयाब किया जाएगा। आरोपी की पहचान हो गई? अभी प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कोई सूत्र मिलेंगे वैसे ही स्थापित करते हैं। मेरे घर से मेरी बहन के घर जा रही थी तो वह रास्ते में से मेरे पीछे से आके उसने मेरे कान के दोनों झुमके ले लिए। पीछे से मैंने घूम के देखा तो भग गया वापस। बस क्या 3:30 बज रही थी। आरोपी का पता लगता है? क्या पता, जानकारी तो कर रहे हैं, रिपोर्ट डलवाई है।